ने मूंग की खरीदी तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में भी की है। जिन राज्यों ने खरीदी की मांग की है तो पीएसएस योजना के अंतर्गत मूंग की खरीदी की अनुमति भी केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में दी थी और मूंग की खरीदी मैं समझता हूँ करीब करीब पूरी हो चुकी है। सोया बीन की खरीदी को लेकर किसान आवाज उठा रहे हैं, उसको कांग्रेस हवा देने की प्रयास कर रही है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है, सोयाबीन के समर्थन मूल्य तय है और वो है 4,994 रुपया क्विंटल एक, और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन किसानों का खरीदेंगे, किसानों को उसके पसीने की पूरी कीमत देना ये मोदी सरकार की भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है और उसके लिए योजना है। महाराष्ट्र कर्नाटक जैसे तीन राज्यों ने सोयाबीन खरीदी की मांग की थी और उनको पीएसएस योजना के तहत सोयाबीन खरीदी की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश की सरकार के हम संपर्क में हैं, अभी सोयाबीन की फसल आने में थोड़ी देर है। मध्य प्रदेश सरकार दो योजनाएं हैं हमारी खरीदी की, उनमें से किसी भी योजना के अंतर्गत मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदने की तैयारी करेगी, हम तत्काल अनुमति देंगे क्योंकि ये तो मोदी जी की प्राथमिकता है किसान को उसके उत्पादन का ठीक दाम देना। तो ये फसल आने में देर है और प्रदेश सरकार से हमारे अधिकारी संपर्क में हैं और जल्दी फैसला होगा। मैं मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के सहित अन्य राज्यों में भी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने तय की है उस पर जो सरकार की योजना है, क्योंकि खरीदी हम राज्य सरकार के साथ ही मिलकर करते हैं तो राज्य सरकार जैसा चाहेगी तत्काल खरीदने की अनुमति दी जाएगी।